करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा ये सेकेंड ब्लॉग है और थैंक यू आप सब लोग का कि आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा और मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग लोग इतना पसंद करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि एडिटिंग बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से शूटिंग की थी। तो आप सब लोग का बहुत 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 थैंक यू। और आज मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ, मैं अपने घर का होम टूर दिखाने वाली हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती हूँ तो ये घर तो बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड तो नहीं है, पर मैं ये इम्परफेक्शन ही होते हैं, घर तो घर ही होता है चाहे जैसा हो, तो इम्परफेक्शन ही है जो खूबसूरत लगते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो, ये ब्लॉग आपके लिए लेके आए, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। वैसे जो पीछे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये मैंने पेंट की है, तो आप इसे देखिए और आपको कैसा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे ब्लॉग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं, मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, फ़ोन पे ही एडिट करती हूँ। अभी मेरे पास माइक भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा वॉइस का भी इशू है, पर जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग का साथ मिलेगा, मैं अपने ब्लॉग की क्वालिटी भी शायद वक्त के साथ इंक्रीज़ होगी। मैं एडिटिंग भी सीख रही हूँ, कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू अपनी कहानियाँ, अपने पर्स्पेक्टिव आपके सामने रखूँ और आप लोग भी एक परिवार के तरीके मेरे साथ जुड़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरा घर है, हाँ आप इसे सरकारी क्वार्टर कह सकते हैं, पर इन 12 साल से तो ये मेरा मकान ही है। कितना अजीब है ना, 80 साल पहले सरकार ने जो ये क्वार्टर्स बनाए थे, आज ये मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे परिवारों के घर हैं। मुझसे पहले भी बहुत से परिवारों ने इसे अपना घर बताया होगा और मेरे बाद भी, बस यही सिलसिला तो चलता रहता है। और ये जो दो नन्हे मेहमान आप देख रहे हैं, इन्हें शूटिंग का अर्थ बिल्कुल नहीं पता, तो आप प्लीज़ इन्हें अवॉइड करिएगा। और अगर आपको आपके शहर में म्यूज़ियम ना हो और आपको एंटीक चीज़ों का शौक़ हो, तो हमारे घरों की तरफ ज़रूर आइएगा। हरियाली के बीच हमारे ये पुराने क्वार्टर वाकई में एक म्यूज़ियम के रखे प्यारे से नुमाइश की तरह दिखते हैं। तो चलिए फिर बाबा आदम के ज़माने के गेट को खोलते हैं और घर में एंट्री करते हैं। मैं शूटिंग कर ही रही थी कि माँ की डांट पड़ गई कि बारिश हो रही है तो गंदी चप्पलें पहन के मत आना। वैसे ज़रूरी भी है कि चप्पलें घर से बाहर ही रहें। और चलिए, ये मेरा ड्राइंग रूम है। ये सामने जो आपको ये टेबल दिख रही है तो मेरी, पर अब पापा ने उसे कब्ज़ा कर लिया है। और ये सामने की दीवारें, इस पर मेरी काफ़ी सारी कोशिशें हैं कि मैं इसे सुंदर बना सकूं, ये पेंटिंग भी मेरी थी। और ये मेरा सोफ़ा, जो हम लोग का सोफ़ा कम, हम लोग का चाय सेंटर ज़्यादा है। और पास ही रखी ये टेबल प्रतीक है हमारी अलग अलग ट्रिप का, क्योंकि हर ट्रिप से हम जो जो चीज़ें लाएं वो इसी टेबल पे सजती चली गई। जैसे ये शिव जी जो उज्जैन से आए थे, और चुनार से ये बुद्ध जी। पेंटिंग तो बहन की है। और पास ही दीवारों पे हमारी बचपन की मेहनत की कमाई, कुछ शॉर्ट जंप से आई है तो कुछ लॉन्ग जंप से आई है। ये मेरे कमरे का व्यू है, खूबसूरत तो नहीं कहूँगी, हाँ पर ख़ास ज़रूर कहूँगी। और ये मेरा कमरा है, शायद इंटरनेट पे आपने जितने भी मकान देखे हैं उनमें से ही खूबसूरत की कैटेगरी में आप इसे नहीं रखेंगे, पर है तो मेरा। और ये मेरी फेवरेट जगह, जहाँ बैठ के मैं अपनी डायरी लिखती हूँ। शायद अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई जानता है तो ये डायरी, क्योंकि मैं इसमें कब क्या लिख जाती हूँ मुझे भी नहीं पता होता। जब पलट के पन्नों को देखती हूँ तब पता चलता है, अच्छा फला दिन ये मूड था मेरा, गुस्सा थी कि अपसेट थी, यही जानती है। उसके बाद ये हमारा बीच वाला छोटा सा कमरा, वैसे तो ये छोटा है पर ये बीच वाले ही कमरे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं अपने बाहर के घर की खिड़कियाँ दिखाना चाहूँगी। ये खिड़कियाँ, इनमें हर कांच की अपनी एक कहानी है, कोई छोटू के एक सिक्सर शॉट से टूटी थी तो कोई अप्पू के एक चौका मारने के चक्कर में टूटी थी। और ये खिड़कियाँ, जिसमें से कुछ बंद होती हैं और कुछ नहीं, चोर भैया के लिए सजेशन है कि यहाँ पे आने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ छज्जे कभी भी टूटकर सर पे गिर सकते हैं। इसके बाद मेरी एंट्री होती है हमारे घर के आंगन में। कभी कभी सोचती हूँ कि यहाँ के आर्किटेक्ट को पता नहीं क्यों घर से ज़्यादा आंगन को बड़ा बनाना था, शायद उन्हें आंगन ज़्यादा पसंद रहा होगा। और ये बहुत सारे गमले हैं, वैसे तो बहुत सारे गमले बंदरों ने तोड़ दिए हैं, फिर भी हमने कुछ बचा रखे हैं। ये गमले सिर्फ हमारे नहीं, इन नन्हे मेहमानों के ही हैं।
और इन्हें यहाँ से हटाना हमारी भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ पे सो जाते हैं तो हम भी नहीं हटा पाते। इसके बाद ये सबसे पीछे का दरवाज़ा है। यकीन मानिए ये शूटिंग सबसे कठिन थी, क्योंकि सड़क पे हर आने जाने वाले लोग मुझे देख रहे थे। यहाँ तक कि आज कजरी और भोलू भी आ गए थे। अब कैमरा देख के कजरी और भोलू को भी पता चल गया था कि आज कुछ तो खास हो रहा है, दीदी काफ़ी देर से घर के बाहर टहल रही हैं। भोलू के पास मैं गई तो भोलू मुझे तुरंत अपने हाथ की चोट दिखाना शुरू हो गया, तो मैं समझ गई कि आज भोलू के पैर पे फिर किसी ने बाइक चढ़ा दी। दुख होता है लोग इतना नज़रअंदाज कैसे कर जाते हैं, अपने आसपास इन खूबसूरत ज़िंदगी को कैसे नहीं देख पाते। हमारा नया घर बन रहा है, शायद कुछ दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कितना अजीब है ना कि हमारे बाद कोई और परिवार आएगा, फिर इस घर को वो अपना घर बताएंगे और हम इस घर के कोनों को देख के याद करेंगे कि हमने इसे कैसे सजाया था, हर एक पेंट के लिए कैसे लड़ाई की थी कि हमारे पसंदीदा कलर होंगे। आज अपनी डायरी पे वो लिखने का मन किया, मैं बस लिख रही थी कि कैसे इस घर के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। ये ब्लॉग मेरे लिए ज़रूरी था। मैं बचपन में हमेशा एम्बैरस होती थी अपने दोस्तों को लाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों के घर खूबसूरत हुआ करते थे, टाइल्स, अच्छे पेंट सब कुछ होते थे। पर वक्त के साथ मुझे समझ आया कि घर तो घर ही होता है, और घर चाहे जैसा ही हो हमेशा खास होता है। वक्त के साथ मुझे ये घर और खूबसूरत लगने लगा। अब सोचती हूँ कि जब यहाँ से चाहूँगी और पलट के इन दीवारों को देखूँगी तो याद करूँगी कि ये वाली कील तो मैंने गाड़ी थी, और वो नया वाला छज्जा पिछली दीपावली पे तो हमने बनवाया था। कितना अजीब है ना कि कुछ सालों बाद शायद हम किसी नए परिवार के साथ इसी घर में मेहमान बन के बैठे होंगे और उन्हें हम बताएंगे कि इस घर में क्या क्या ऑल्ट्रेशन हमने करवाए थे। ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो सोचा अपनी ये कहानी आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत।